हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पे स्वागत है देखिए आज मैं इस प्रकार का एक डोरमेट आपके लिए लेकर आई हूँ देखिए मल्टी कलर में मैंने इस डोरमेट को बनाया है हर कली अलग अलग कलर से बनाई है देखिए आप।, आप चाहें तो दो कलर से भी इसे बना सकते हैं या मल्टी कलर से जैसे मैंने बनाया है वैसे बना सकते हैं जो छोटे छोटे हम डोरमेट बनाते रहते हैं तो उनसे टुकड़े बच जाते हैं साड़ियों के तो उससे मैंने इसे बना लिया है तो आपके पास भी ऐसे वेस्ट टुकड़े बच गए होंगे तो आप उससे इसे मल्टी कलर में ऐसे ही बना सकते हैं तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट इस करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे चलिए इसे बनाना स्टार्ट इस करते हैं तो दोस्तों इस डोरमेट को बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से आठ नंबर की जो सिलाई है वो यूज में ले रही हूँ आपके पास आठ नंबर की सिलाई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है छः सात या फिर नौ दस किसी भी नंबर की सिलाई से आप इसे इजीली बना सकते हैं तो मैं आपको फंदे डालना बता रही हूं तो देखिए सबसे पहले एक नोड लगा देंगे इस तरह से ये देखिए अब हम फंदे डालेंगे तो देखिए इस तरह से फिंगर में इसको लपेटेंगे ये दो फंदे हो गए एक में नोड लगाई थी दूसरा ये दो फंदे ये तीन चार पांच छ सात ये आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस मैं बीस फंदे डालूंगी इसमें आप बड़ा बनाना चाहते हैं दो के मल्टीपल से कितने भी फंदे डाल सकते हैं जितना बड़ा बनाना चाहें उतना अब हमारा जो इसमें हम डिजाइन बनाएंगे वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी देखिए यहां पर हम क्या करेंगे एक फंदे को बढ़ाएंगे इस तरह से ये देखिए सिलाई में लपेटेंगे कपड़े को और एक फंदा बढ़ा देंगे अगर आप किसी और तरीके से फंदा बढ़ाना चाहते हैं तो उससे भी बढ़ा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसी तरीके से बढ़ाएं जैसे आपको इजी लगे वैसे फंदे को बढ़ा सकते हैं देखिए अब सारे फंदे हम बना रहे हैं ये देखिए और एंड में आके एक फंदे को छोड़ देंगे इस फंदे को हमें छोड़ देना है अब इधर से फिर बनाएंगे सारे फंदे बना लेते हैं ये देखिए इस तरह से अब इस साइड से फिर से क्या करेंगे एक फंदे को और बढ़ाएंगे हमें हर लाइन में फंदे को बढ़ाना ही है ये देखिए बढ़ा देंगे इस तरह से ये देखिए इधर आके एक फंदे को और छोड़ देंगे इस तरह से एक फंदा और छोड़ दूंगी मैं और फिर से इसे बनाऊंगी तो दोस्तों हमें ये कब तक बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ जैसे मैंने दो फंदे तो छोड़ दिए हैं अब मैं आठ फंदे और छोड़ूंगी यानी जितने हम फंदे डालेंगे मैंने बीस फंदे डाले थे तो दस फंदों तक मैं छोड़ लेती हूँ और दस फंदे ही यहाँ बढ़ा लेती हूँ क्योंकि एक फंदा हमारा छूट रहा है तो एक इधर बढ़ रहा है तो ऐसे ही मैं दस फंदों तक इन्हें छोड़ लेती हूँ इधर से एक एक फंदे को बढ़ाती जाती हूँ तो इतना मैं बना लेती हूँ उसके बाद आपको बताती हूँ क्या करना है आप भी जितने फंदे डालें उसके आधे ऐसे ही बना लें और आधे फंदे हमारे इस साइड बढ़ जाएंगे एक एक फंदा बढ़ रहा है एक एक छूट रहा है तो इतना मैं बना लेती हूँ तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है दस फंदों को छोड़ लिया है देखिए काउंट करके बताती हूँ एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस ये देखिए दसवें फंदे तक मैंने छोड़ लिया है अब इस साइड से हमें क्या करना है वो आपको बताती हूँ जितने भी हम आधे फंदे छोड़ लेंगे उसके बाद दस फंदे मैंने छोड़ लिए बीस में से अब यहां से हम क्या करेंगे फंदों को घटाना शुरू करेंगे देखिए दो फंदे मैंने एक साथ ले लिए हैं अब दो का एक कर दूंगी ये देखिए घटा दिया फंदा इस तरह से दो का एक और इस साइड देखिए क्या करेंगे इस साइड तो हम फंदों को वैसे ही छोड़ेंगे तो मैं एक फंदा छोड़ देती हूँ इस तरह से इस साइड से तो हमारा एक एक करके फंदा छूटेगा ही बस इस साइड से हमें जो दूसरी साइड है जहां हमने फंदों को एक करके बढ़ाया था वहीं से एक एक करके फंदे को घटाएंगे बस इतना करना है हमें और फिर से देखिए इस तरह से दो का एक करेंगे फिर से एक फंदे को छोड़ देंगे और इस साइड फिर से बनाएंगे तो हम ऐसे ही अब क्या करते हैं इधर से हमारे फंदों को घटा लेते हैं और इस साइड से एक एक करके फंदों को छोड़ लेते हैं बीस फंदों तक मैं छोड़ लेती हूँ और इस साइड से हमारे दस फंदे जो बड़े थे वो घट भी जाएंगे टोटल हमारे बीस फंदे रह जाएंगे वहां तक मैं ये कर लेती हूँ फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है ये देखिए इतने हमने ये बना ली अब हमारे ये टोटल अभी इक्कीस फंदे हैं देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस और इक्कीस अब एक फंदे को हम फिर से कम कर देंगे कपड़े को भी कैसे जोड़ते हैं वो भी आप देख लीजिए इस तरह से दोनों को तिरछा काटकर एक दूसरे में कर देते हैं और ये देखिए एक फंदा और मैं कम कर देती हूँ इस तरह से अब सारे फंदों को हम बना लेंगे जो लास्ट वाला फंदा हम कम करेंगे तो हमें एंड तक सारे फंदों को बनाना है ये देखिए इस तरह से मैं बना रही हूं हमें सभी फंदे बना लेने हैं ये देखिए बहुत आसान है और आपको समझ में भी आ गई होगी डिजाइन कितनी अच्छी लगती है देखने में भी जब पूरा डोर्मेट बन जाएगा तब आप देखना है बहुत सुंदर लगती है डिजाइन हमारी एंड तक सारे फंदों को बना लेंगे जितने भी फंदे हैं सबको तो ये देखिए सारे फंदों को मैंने इस तरह से बना लिया पूरे फंदे बना लिए बीस फंदे जितने मैंने स्टार्टिंग में डाले थे उतने मेरे फंदे मेरे फंदे पास आ गए अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर अब कलर चेंज भी करेंगे दूसरा कलर हम इसमें ऐड करेंगे अब कोई सा कलर आप लगा सकते हैं आप इसे मल्टी कलर का भी बना सकते हैं मैं भी मल्टी कलर का ही ये डोरमेट बनाऊंगी अलग अलग कलियां सारी आप चाहें तो दो कलर में भी बना सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो वैसे इस डोरमेट को बना सकते हैं तो देखिए मैं यहां से कलर चेंज कर रही हूं ये देखिए इस तरह से एक लाइन हमने बना ली अब हम क्या करेंगे यहां पर फिर से फंदे को बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे एक फंदा में बढ़ा दिया और एंड में आकर एक फंदे को फिर छोड़ देंगे और यहीं से फिर से बनाना स्टार्ट कर देंगे तो ये दूसरी कली हमारी इस तरह से बन रही है तो ऐसे ही मैं सारी कलियों को बना लेती हूँ तरीका हमारा जो मैंने इस कली में बताया वो ही इसमें रहेगा पूरा डोरमेट हमारा इसी तरह से बनेगा तो मैं पूरा डोरमेट बना लेती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ कैसा दिखाई दे रहा है पूरा कम्पलीट करने के बाद तो ये देखिए दोस्तों हमारा मल्टी कलर का डोरमेट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया देखिए मल्टी कलर में मैंने इसे बनाया देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में भी तो इस तरह से मल्टी कलर का डोरमेट मैंने तैयार कर लिया तो दोस्तों आपको ये जो डोरमेट की डिजाइन ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे धन्यवाद दोस्तों